हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आलोक उत्पल, स्वागत है आप लोगों का राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास लेकर आया हूँ यूजीसी नेट का, जिसमें हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट वन से, जो कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। उसे एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। एकदम हम लोग स्टार्टिंग से बेसिक, एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो आप लोग अच्छे से देखिए, यदि कोई दिक्कत होगा तो आप लोग समझ, यदि कोई प्रॉब्लम हो समझने में आप हम लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जो है रिप्लाई दूंगा। ठीक है, इसके पहले मैं एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, ये एक राज इकोनॉमिक्स का जो आपका ऐप है, यहाँ पे आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें आपके लिए, इसमें एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए अवेलेबल है। कॉम्पिटिटिव में जैसे यूजीसी नेट, यूजी पीजी, टीजीटी पीजीटी, जो भी इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स दोनों के लिए, जबकि एकेडमिक के लिए यूजी पीजी इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स इंटर, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी आप यहाँ से, आप डाउनलोड करके, आप ऐप डाउनलोड करके यहाँ से क्लासेस कर सकते हैं। इसके लिए अभी फिलहाल कुछ महीने का ऑफर, कुछ दिनों का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 50% फिलहाल आपको फी में रिबेट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितना जल्दी से जल्दी आप कोर्स को परचेज करते हैं, आपके लिए कम से कम अच्छा खासा सेविंग आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या। ये हमारा हो गया बिजनेस और ये हो गया इन्वायरमेंट। तो आप लोगों ने बिजनेस तो बहुत पहले से ही पढ़ा होगा, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट मतलब जनरली हम लोग जो जानते हैं, जो आसपास का सराउंडिंग होता है हमारे पास, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग वातावरण। ठीक है, मतलब हमारे बिजनेस के जो आसपास की सराउंडिंग है, जो हमारे वातावरण है, ठीक है, ये हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, और जो कुछ होते हैं जो अनकंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का, कि वैसा सराउंडिंग, वैसा इन्वायरमेंट, वैसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करे, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। एकदम सिंपल सा मीनिंग है। हम लोग जब हम लोग इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गई कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ये चीज समझ में, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। ओके, तो नॉर्मल बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग तो क्लियर होगा कि वैसे फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हो, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे हमारे, हम लोग जहाँ रहते हैं वो आसपास का वातावरण है, कहीं का आपका सीजन जो विंटर है उसका, जो वहाँ का सराउंडिंग अलग रहेगा। ठीक है, जहाँ का थोड़ा सा गर्मी है उस समय का वातावरण अलग रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अफेक्ट करेंगी। उसी तरह बिजनेस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। ओके, तो ये तो था आपका नॉर्मल बिकम्पोज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जनरली जब हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट में जाएंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और नेट में हमारा क्वेश्चन यहां से रहता ही रहता है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं बिजनेस एनवायरमेंट में जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। ओके, तो हम इसको कहते हैं, एक तो होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट,
इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए पहले इंटरनल और एक्सटर्नल को इफेक्ट हम मतलब मीनिंग समझते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट किसको कहेंगे? इंटरनल इन्वायरमेंट वैसा इन्वायरमेंट होता है जो हमारे बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करता है। अब इंटरनली अफेक्ट करने का मतलब कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। ओके, तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है हमारा? ये हमारा कंट्रोलेबल होता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमारे बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करेगा। इंटरनली अफेक्ट कहने का मतलब है वैसे फैक्टर्स जो होंगे जो हमारे बिजनेस के अंदर मौजूद हैं, अंदर प्रेजेंट हैं, और वो बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। ठीक है, और जिसको मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है वो क्या हो जाएगा आपका? इंटरनल इन्वायरमेंट। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वैसे फैक्टर्स जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसको हम लोग अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कह सकते हैं। ओके, अनकंट्रोल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है पर। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे भी इंटरनल में हमारे पास इंटरनल फैक्ट इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल यदि हम लेना चाहें तो कौन कौन सा एग्जांपल हमारे पास हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो कौन कौन सा ऐसा चीज है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। तुम एक बोल सकते हैं कंपनी और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। हमारा जो कंपनी का मैनेजमेंट इंटरनली होता है, यदि उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कोई ऐसा चीज है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो सकता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल के कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम चेंज करके अपने बिजनेस को, यदि वैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिससे कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस अफेक्टेड हो रहा है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल के अंदर है। और जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो, इसलिए वो हमारा इंटरनल में आता है, इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है। और कह सकते हैं आप लोग मिशन और ऑब्जेक्टिव, मिशन और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो विजन मिशन जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, इसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे बिजनेस के अंदर होगा, कंट्रोलेबल होगा। ऑब्जेक्टिव चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन मैं आप लोग को पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उसमें टोटल चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग कुछ एग्जांपल से समझ लो कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बोल सकते हो, इम्प्लॉय बोल सकते हो, का जो हमारे बिजनेस के अंडर इम्प्लॉय होते हैं वो भी हमारे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगा? इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फिर से दो पार्ट में सब कैटेगराइज किया गया है, जिसमें है पहला आपका माइक्रो और दूसरा जो होता है मैक्रो। माइक्रो किसको कहते हैं? एक छोटे लेवल पे, एक स्मॉल लेवल पे। मैक्रो एक बड़े लेवल पे। ठीक है, माइक्रो को सूक्ष्म भी बोला जाता है, मैक्रो जब हम एज ए होल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, ये दोनों अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, बट दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है हम लोग देखते हैं माइक्रो एंड मैक्रो का। तो माइक्रो फैक्टर्स जो होते हैं, माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये इमीडिएटली
अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, ठीक है। मतलब ऑन द स्पॉट, फॉर एग्जांपल आप इसके एग्जांपल को यदि देखेंगे तो माइक्रो के जो एग्जांपल हैं आप बोल सकते हो कस्टमर, सप्लायर, ठीक है, और क्या हो सकता है, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, इन्वेस्टर को आप बोल सकते हो, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को बोल सकते हो, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया, कस्टमर, सप्लायर, और आप सोसाइटी को बोल सकते हो, ठीक है, और हमारे पास इंटरमीडियरीज। ये पांच जो एग्जांपल होते हैं ये हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के एग्जांपल है। मतलब कि ऐसा फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सप्लायर का काम क्या होता है, सप्लायर का काम होता है कि सही समय पे रॉ मटेरियल को हमारे प्रोवाइड करे। यदि वो रॉ मटेरियल सही समय पे प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा वहां पे। अब प्रोडक्शन स्टॉप होता है तो हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। तो अब सप्लायर को क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि वॉट साइड ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते हो। कस्टमर यदि आपका, यदि आपके पास नहीं आता है तो आप उसको जबरदस्ती नहीं ला सकते हो। आप अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा आपको, जिससे कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट करें, बट आप कस्टमर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इंटरमीडियरीज, ठीक है, जो मिडिल मैन होते हैं आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हो। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो उनसे आपको कंपीट कैसे करना है, आपको अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। वो आपके बिजनेस को नहीं, मतलब आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हो, आपको अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये अनकंट्रोलेबल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमको जैसा जैसा एनवायरमेंट में जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है आपको उसी तरह से मूवमेंट आपका भी करना पड़ेगा, ठीक है। यदि मार्केट में कोई चीज चेंजेज आता है तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, तो ही आप जाके मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्वाइवल। आपको यदि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो जो फैक्टर्स अफेक्टेड कर रहे बिजनेस को यदि कंट्रोल कर सकते हैं तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। यदि आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो जैसे जैसे वो जा रहा है उसके पॉजिटिव वे में उसके अकॉर्डिंग चलते रहना है, तो आप बिजनेस में मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे बिजनेस को लेके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का कुछ बात जिसको इमीडिएटली अफेक्ट करता है। अब सप्लायर अचानक से सप्लाई रोक दिया, सप्लाई स्टॉप कर दिया रॉ मटेरियल का, तो हम क्या करेंगे, तुरंत मेरा प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम आज मान के चले सप्लायर किया है तो एक साल बाद उसका अफेक्ट करेगा, नहीं। यदि सप्लायर आज मटेरियल बंद करता है तो जो हमारे पास स्टॉक होगा वही यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसको मेरा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसलिए कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट इज इमीडिएटली अफेक्ट द बिजनेस, क्लियर। मैक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट है जो इमीडिएटली तो इफेक्ट आपको नहीं करेगा, ठीक है, बट ये आपका लार्जर जो कि जनरली एज ए होल, मतलब ये कि माइक्रो एनवायरनमेंट समझिएगा थोड़ा, ये किसी एक कंपनी को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, किसी एक बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, मतलब किसी पर्टिकुलर यूनिट को अफेक्ट करेगा। लेकिन जब मैक्रो की बात करेंगे तो ये अफेक्ट करता है आपका एज अ होल। ऐसा नहीं कि यदि ये फैक्टर्स किसी एक बिजनेस को अफेक्ट करेगा, वो पूरा इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, जबकि माइक्रो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करेगा, पर्टिकुलर कंपनी को अफेक्ट करेगा, बट मैक्रो पूरा का पूरा इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। इसे मैक्रो में लोग पढ़ते भी हैं एज ए होल, इसलिए इसको मैक्रो एनवायरनमेंट बोला गया है। और ये भी हमारा क्या होता है, तो अनकंट्रोलेबल, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स है
तो ये भी क्या होगा हमारा अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होगा। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे हम लोग देखेंगे कुछ कुछ चीजें हैं। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर की, या सबसे पहले बात कर लो डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक फैक्टर हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि डेमोग्राफिक फैक्टर वैसा फैक्टर्स होता है जो कि किसी भी पीपल को डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बताता है। ठीक है, अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करोगे तो कंट्री डिफर हो जाता है, कंट्री टू कंट्री, आप एरिया टू एरिया कंट्री में बात कर लो तो स्टेट टू स्टेट अलग हो जाता है। ठीक है, स्टेट स्टेट में आप डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट जाओगे तो वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, कहीं रूरल पॉपुलेशन है, कहीं अर्बन पॉपुलेशन है, कहीं लार्जर एरिया है। ठीक है, जैसे कि आप पॉपुलेशन को भी डिवाइड करते हो तो कोई हायर इनकम ग्रुप वाले के लोग होते हैं, कोई लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं, कहीं रूरल एरिया है, कहीं अर्बन एरिया है, कहीं सेमी अर्बन एरिया है। ठीक है, कहीं लिटरेट लोग ज्यादा हैं, कहीं इलिटरेट लोग ज्यादा हैं। तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स में, जैसे कि मान के चलिए हमारा पॉपुलेशन बहुत लार्ज है। ठीक है, पॉपुलेशन लार्ज है मतलब डेमोग्राफिक प्रोफाइल की कोई लार्ज पॉपुलेशन में बिजनेस कर रहे हैं तो आपका डिमांड भी ज्यादा होगा और आप वहां पे अपने छोटे बिजनेस को लेके जाएंगे। जब आप अपने कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस वहां पे सरवाइव नहीं करेगा, तो आपको आप पॉपुलेशन को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ दिन बिजनेस को चलाएंगे बट यदि कंज्यूमर का डिमांड जो होता है वो यदि पूरा नहीं हो पाता है तो उसका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा और वो दूसरे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और आप वहां पे लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हुआ डेमोग्राफिक फैक्टर का, इसी तरह लिटरेसी का, इलिटरेसी का बहुत सारे हैं। नोट्स मैं दूंगा तो उसमें आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा, आप लोग बस मीनिंग समझिए कि होता क्या है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक फैक्टर हमारा ये होता है, इसमें बहुत सारा हम जेंडर के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं, मान के चलिए हमारा जो बिजनेस है सिर्फ मेल प्रोडक्ट या फिर फीमेल प्रोडक्ट या फिर ओल्ड एज प्रोडक्ट या चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, कुछ भी मान के चलिए प्रोडक्ट बना, मान के लिए फीमेल के लिए बनाता है तो फीमेल के लिए बनाएगा सिर्फ, तो अब उसको टारगेट क्या करना पड़ेगा, फीमेल कंज्यूमर को टारगेट करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो जब हमारा बिजनेस का कि बिजनेस वहां पे अफेक्टेड कौन होंगे, सिर्फ फीमेल जो कंज्यूमर होंगे, आपको उस तरह के गुड्स को प्रोवाइड करना है। ठीक है, ओल्ड, अब मान के चलो आप ऐसे जगह पे बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे ओल्ड एज वाले लोग ज्यादा हों और वहां पे आप चिल्ड्रेन वाले मतलब बच्चों के सामान ज्यादा बेच रहे हो तो क्या आपका बिजनेस वहां पे सरवाइव करेगा, नहीं करेगा। जहाँ पे इलिटरेट पीपल ज्यादा हो आप वहां पे एक बुक का शॉप ओपन कर देते हैं तो क्या आपका बिजनेस सरवाइव करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। सेकंड जो है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जनरली हम बात करते हैं गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। ठीक है, अब इकोनॉमिक पॉलिसी क्या क्या होता है, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का एक फिस्कल पॉलिसी है, फिर आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी आ जाता है,
और क्या हम बोल सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अलावा आप और क्या बोल सकते हैं, तो याद कीजिए आप लोग, गवर्नमेंट का एक्चिम पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है। तो ये हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी की बात कर ले, यदि गवर्नमेंट कोई किसी चीज़ का टैक्सेस बढ़ा देती है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो उस गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा। अब प्राइस बढ़ जाएगा तो हो सकता है, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ते हैं, जब एन द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेज डिमांड फॉर दोज गुड्स डिक्रीजेज, तो कहीं ना कहीं हमारे गुड्स पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है, मान के चलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी यदि आरबीआई कहीं ना कहीं चेंज लाती है, तो लोगों के हाथ में यदि मॉनेटरी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यदि आरबीआई कंट्रोल करना चाहती है तो मनी सप्लाई को कम करेगी मार्केट में, मनी सप्लाई को कम करेगी तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, तो पैसा कम होगा तो लोग परचेज कम करेंगे, और परचेज कम करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं बिजनेस अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरह बहुत जितने भी पॉलिसी है ये सारी, तो कहीं ना कहीं आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का चीज है, आप इसको कहाँ से कंट्रोल करेंगे इसको। ठीक है, तो वैसा चीज, वैसा फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस में अफेक्ट कर रहा है बट उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसमें सारा का सारा चीज क्या है, ये हम सारे एग्जाम्पल दिए आपको इकोनॉमिक एनवायरमेंट को, जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आजकल के समय का सबसे बड़ा चीज है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा चीज है, बोलते हैं इसको कि टेक। आप लोग आजकल के केस में बच्चे हैं लोग, सभी लोग, हम लोग भी आजकल के समय के हैं, तो हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अपडेट रहते हैं। ठीक है, आप लोग अब यदि आपका बिजनेस, क्योंकि आजकल के समय क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ठीक है, और आप इसमें टेक्नोलॉजिकल अपडेट नहीं होते हैं तो आप बिजनेस में कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पाइएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोविड के समय देखे होंगे, बहुत सारी जो कंपनी थी या बहुत सारी जो क्लासेस वगैरह थे ऑनलाइन कंडक्ट कराए तो सर्वाइव किया, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट रखा, बट बहुत सारे लोगों की नहीं कर पाए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो, यदि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते रहें तो बिजनेस में हम बने रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। यदि हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, एक समय जब फीचर्स फोन आता था तो नोकिया और सैमसंग दोनों लीडिंग कंपनीज थी उस समय की, लेकिन आज देखिए सैमसंग कहाँ से कहाँ पहुंच गया और नोकिया अभी तक उतना तक नहीं पहुंच पाई, या लगभग ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि लोग स्मार्टफोन की ओर लोगों का मूवमेंट हुआ, सैमसंग उसके अकॉर्डिंग चलते चली गई, या नोकिया को लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, वो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं हुई, इसलिए आज उसका ये स्थिति है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी हमारा कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। फोर्थ है सोशियो कल्चरल, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट क्या है हमारा? देखिए हर एक सोसाइटी का अलग अलग कल्चर होता है, और कल्चर हर एक का डिफरेंस जब होता है सोसाइटी का, तो उन लोगों का डिमांड भी अलग अलग होता है, कुछ का कहीं रिस्ट्रिक्शन होता है, लोगों का पहनावा ओढ़ावा क्लोथिंग ट्रेडिशंस वैल्यू, ठीक है, सारे चीज अलग होते हैं, ट्रेडिशंस अलग होते हैं, उसके वैल्यूज अलग होते हैं। तो
ये चीज जब आप सोसाइटी की बात करते हैं तो आप जिस सोसाइटी में बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हो, आपको उसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस के प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा। यदि आप वहां के अकॉर्डिंग नहीं रखते हैं, उसके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का कल्चर भी है जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट की ओर, नहीं सॉरी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की ओर। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि ये हमारे पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी से कहने का मतलब है एक गवर्नमेंट जो होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है, ठीक है, तो कैसे अफेक्ट करेगा हमारे बिजनेस को। मान के चलिए फॉर एग्जांपल यदि गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं होती है, स्टेबल कहने का मतलब है कभी ये सरकारें आ रही है कभी ये सरकारें आ रही है, हर एक साल मेरी सरकार चेंज हो जा रही है, किसी को बहुमत नहीं मिल पा रहा, तो उससे क्या होगा कि सभी सरकारें की पॉलिसी अलग अलग होती है, सभी गवर्नमेंट्स की पॉलिसी अलग अलग होती है, तो किसी का पॉजिटिवली पॉजिटिवली अफेक्ट करता है और जैसे सरकार चेंज हुई उसका नेगेटिवली अफेक्ट हो गया। तो अब आपको उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए अब आपको इस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी बनाने पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी जो है कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो सरकारी क्या है हमेशा बदलती रहती है, गवर्नमेंट हमेशा चेंज होती रहता है। तो यदि आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलनी है, अपना बिजनेस को सर्वाइव करना है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलनी पड़ेगी और उसके लिए आपको पॉलिसी को भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? फिर है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट ये सबसे कॉमन चीज है जिसको कि हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है नेचुरल डिजास्टर। क्या ये कंट्रोल हो सकता है? क्या आप ही बताओ तो, कभी इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप कहीं आ जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ कहीं आ जाए, सूखा पड़ जाए, ठीक है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ पे नेचुरल जो भी डिजास्टर्स वगैरह है, अब भूकंप बाढ़ ड्राउट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन यदि आ जाते हैं तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वही कहता है वैसा चीज जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसा फैक्टर्स जो बिजनेस को हमारे अफेक्ट करे, तो ये सारा का सारा चीज हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, तो नेचुरल कैलामिटीज हैं जिसको हम कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि वैसा कोई एक्ट बना देती है गवर्नमेंट जिससे हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है, हमको अपने उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, तो उसके पहले का जो टैक्सेशन सिस्टम था बिल्कुल अलग था, उसके बाद से टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल अलग हुई। अब जीएसटी आ गया वहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, तो जब जीएसटी आया इनडायरेक्ट टैक्सेशन में तो लोगों को बहुत सारा चीज चेंज करना पड़ा। आप उसमें कोई मना नहीं कर सकते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना ही करना है, वो क्योंकि एक्ट बन गया, कानून बन गया, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अपने पॉलिसी को चेंज करनी पड़ेगी। तो लीगल इन्वायरमेंट कहते हैं वैसा इन्वायरमेंट जो कि गवर्नमेंट यदि कोई एक्ट वगैरह बन गया और कहीं ना कहीं लीगली वो एक्ट है, आप उसको उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिहार में जैसे कि मान के चलो शराबबंदी है, तो बिहार में यदि शराबबंदी होती है तो वहां के जितने भी जो बिजनेस होंगे लिक्वर्स वाले, अब उसका बिजनेस एक झटके में सभी का बिजनेस समाप्त हो गया और वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ऐसी पॉलिसी आती है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का?
हम लोग कंपोनेंट्स में पढ़े इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट वैसा इन्वायरमेंट जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल होता है। एक्सटर्नल का भी दो पार्ट है, एक माइक्रो है एक मैक्रो है। माइक्रो जो इमिडिएटली अफेक्ट करता है, मैक्रो जो धीरे धीरे अफेक्ट करता है बट लार्जर आपका एज ए होल करता है, और ये किसी पर्टिकुलर यूनिट को किसी के पर्टिकुलर कंपनी को अफेक्ट करेगा। माइक्रो का एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं कॉम्पिटिटर, सप्लायर, कस्टमर, इंटरमीडियरी, सोसाइटी, जबकि मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो जाते हैं पॉलिटिकल, सोशल, पॉलिटिक आपका स्टार्ट कर रखिए थे हम लोग, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशियोकल्चरल, पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये सारा का सारा क्या है, कहीं ना कहीं बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट होगा तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है, कुछ आपको पूछना है इससे रिलेटेड या इससे कुछ और रिलेटेड, तो मैं जरूर इसको बताऊंगा। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, बस मेरे साथ चलिए, पढ़िए अच्छे से, कहीं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, मैं आपको ये गारंटी के साथ बोलता हूं, ठीक है। तो ये मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को दे दूं कि हमारा वेबसाइट है राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस, आप इसको डाउनलोड कीजिए। मैंने क्लास के पहले भी बताया आपको, यहाँ पे जैसे यूजीसी नेट का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पे नेट का क्लासेस करना चाहे तो आप नेट सेक्शन में जाएंगे, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको नेट मिलेगा, आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ दिनों का ऑफर है जिसमें आपको टोटल फी में 50% का ऑफ मिल रहा है, जो काफी बड़ा डिस्काउंट है। और यदि कोई एकेडमिक स्टूडेंट है, ये इकोनॉमिक्स या कॉमर्स क्लासेस, यूजी पीजी ग्रेजुएट, ये इंटरमीडिएट कोई भी करना चाहते हैं, तो सभी के लिए 50% फिलहाल अभी ऑफ चल रहा है। तो इस मौका को कभी मत चूकिएगा, जितना जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग के लिए नेक्स्ट क्लास में, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, चलिए थैंक यू।